पढ़ाई के साथ खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ की खूबी को दर्शाते अपने सालाना वार्षिक उत्सव परिवर्तन 2023 के बैनर तले दुर्ग के डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूली बच्चों ने बिखेरी सांस्कृतिक छटा। परिवर्तन 2023 के बैनर तले दुर्ग के ओम परिसर स्थित डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मंच में बिखेरी सांस्कृतिक छटा। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में आर्य शिक्षा समिति दुर्ग भिलाई के अध्यक्ष विनीत बंसल, उपाध्यक्ष विनीत श्रीवास्तव, सचिव संतोष शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनीत खेर ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया कि स्कूल के छात्र छात्राओं में पढ़ाई के साथ हर एक्टिविटी में निपुण होने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही ये बच्चे आगामी भविष्य में अपने शहर में वो देश के लिए कुछ अच्छा करने में सहायक हों। साथ ही कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में प्रतिभाएँ छिपी होती है, ऐसे आयोजनों में अवसर मिलने से प्रतिभाएँ उभर कर आती है। हमारा डीएवी मॉडल स्कूल और डीएवी मॉडल कॉलेज का वार्षिक उत्सव प्रोग्राम है, यह परिवर्तन के नाम से हम लोग इसको प्रसारित करते हैं, हम लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। यह हमारा डीएवी मॉडल कॉलेज 2011 से संचालित है और हमारा यह स्कूल काफ़ी पुराना है, यह 1981 से संचालित है, प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसमें नर्सरी से 12th तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की जाती है और CBSE पैटर्न में नर्सरी से 8th तक का यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। और ये परिवर्तन जो प्रोग्राम है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है वार्षिक उत्सव के रूप में और हमारे बच्चे इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यह स्कूल, हमारा स्कूल जो है, यह आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलने वाला स्कूल है। इसके संस्थापक हमारे पूज्य पिताजी श्री जीसी बंसल जी थे, जिन्होंने इस स्कूल का फाउंडेशन किया और आज यह शहर का प्रसिद्ध और जाना माना स्कूल है, जहां प्राचीन संस्कृति के अलावा आधुनिक शिक्षा का संगम किया गया है। और इस स्कूल में निरंतर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ का समागम रहता है। स्कूल और कॉलेज के साथ में हम लोग मिलकर यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं और यह इस प्रोग्राम में कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, चूँकि एक ही संस्था है इसलिए हम लोग स्कूल और कॉलेज का मिलकर संगम प्रोग्राम करते हैं, जो कि बहुत ही लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और पेरेंट्स भी इसमें बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर आते हैं और बहुत ही उत्तम प्रोग्राम होता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें छत्तीसगढ़ी में होने वाली 12 मासी त्यौहार पर मनाए जाने वाले उत्सव के दौरान की जाने वाले नृत्य का प्रदर्शन किया गया। साथ ही नारी शक्ति देश के उत्थान के लिए नितांत आवश्यक है, इस विचारधारा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता, विज्ञान मेला, खेलकूद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार के माध्यम से संस्था के द्वारा लगातार प्रोत्साहित किया गया। इसी कड़ी में शाला हाईस्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। ये परिवर्तन 2023 का आयोजन हमारे डीवी मॉडल स्कूल में किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी काफ़ी सहयोग रहा है, हमारे टीचर्स का भी सहयोग रहा है। हमारे बच्चे काफ़ी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, डांस के साथ को करिकुलर एक्टिविटी में भी उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है उनका। और हमारे स्कूल से क्लास 12th के कुछ बच्चे नेशनल लेवल का पावर लिफ्टिंग में भी आगे रहे हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, स्टेट लेवल में भी पावर लिफ्टिंग में वो काफ़ी सराहनीय उनका प्रदर्शन रहा है और आगे कई क्षेत्रों में उनका नाम कर रहे हैं बच्चे। सर, ये 2023 में डीएवी स्कूल एवं डीएवी मॉडल कॉलेज का
परिवर्तन के नाम से जो भी कार्यक्रम हो रहा है बहुत सराहनीय है, और जो हमारे अध्यक्ष सर आए हैं और उन्हें हमें बढ़ावा देने के लिए बस इस संस्था को बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, बढ़ते क्रम तब होगा जब हमारे सपोर्टिव सभी हमारे जो समिति के मेंबर रहेंगे उन लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे, तभी इस कार्यक्रम को हम साकार कर पाएंगे। तो मैंने इस प्रोग्राम में ये देखा कि बच्चों की जो एक्टिविटी है, सच में अगर एक्टिविटी के माध्यम से ही बच्चों की नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा और उनकी आंतरिक जो मापन है उसको मापा जा सकता है इससे। और हर बच्चों को तो हम देख के जज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और उनकी प्रतिभा को हम अच्छे से माप सकते हैं और बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रांड सी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।